यही है शायद। हाँ ये वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला रैंप है। यही यही भाई यहाँ से ना। हाँ यही तो रैंप है ऊपर वाला। हाँ यही है भाई, यहाँ से लाइफ प्लेन दिखता है लैंड होते हुए। हाँ यही तो है। डरा हुआ तो यहाँ लोग ऐसे है कि रोकेंगे नहीं गाड़ियाँ बीच में देखने के लिए। हाँ ये भी बात है, इंडिया होता है वही की वही गाड़ी। फोटो 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 जेट जा रहा है, देख सकते हो आप ये जो लाइन दिख रही है ना आपको भाई, एप्पल का कैमरा तो भाई मान गया भाई, आज देख सकते हो इतनी क्लैरिटी से दिख रहा है। इसके टेल पॉड घूम गए थे, मिल गए इसके, कहाँ मिले? वॉशरूम के अंदर पड़े हुए थे, एक पता नहीं किसने खा रखा है। गाइस आपके पास जैसे आप यहाँ आओगे तो देख सकते हो स्काईवे, रेलवे, केबलवे एंड वॉकवे, ये चार एक्टिविटीज है, प्लस मीट द ग्रफेलो टुडे। भाई इससे ही मिलेंगे, टाइम क्या हो रहा है अभी, चांद भाई ये हल्का सा खुल गया सिस्टम इसका, अगर यहाँ से किसी ने टक टक कर दिया तो हो जाएगा काम सीधा पार। और व्यू दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखो ये गाड़ी, एक छोटी वाली कोडियाक लग रही है मेरे को, घूर क्या रहा है, खाएगा क्या? वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू केसी ब्लॉग। लाइक गुड मॉर्निंग बोल दिया पब्लिक को एक बार, गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो भाई जिस सफर का मतलब नहीं, जिस चीज का मैं बेसब्री से इंतजार था वो लोग कह रहे यहीं आएंगे, जिस चीज का भाई बेसब्री से इंतजार था 2 महीने से, भाई मेरे घर वाले आज फाइनली आ गए यहाँ पे, और 20 दिन मतलब उनका साथ में वो है, ट्रिप है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो अब से मैं आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया दिखाऊंगा और आपको बताता हूँ कि भाई मैं क्यों, मैं रीज़न तो क्या ही देना इसे, चलो आपको बता दूंगा आज के व्लॉग में कि भाई क्यों मैं व्लॉग्स नहीं डाल रहा था, क्योंकि एक मकसद था जिसके लिए मैं आया था यहाँ पे और वो मकसद हो रहा है पूरा। तो भाई सामान वामान हम तो रखवा लिए हैं, और यह सिस्टम ऐसा होता है यहाँ पे ना, आपको कहीं ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, आपको ऐसे इसको यहाँ पे पार्क कर देना होता है। और ये रही हमारी भाई, ये देखो यहाँ की कार्निवल देखो भाई तुम, यार जो इंडिया में अभी तक आई नहीं है 2 साल से बोल रहे हैं। और ये हमारी एक गाड़ी माजदा 3 है भाई ये, और सेम वही कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस लग रहा वाली ठीक है, और वो रही भाई हमारी वोल्वो, दोनों में हमने फुल भाई कम से कम 6-7 सूट केसेस हैं, 2-4-3 लोग आए, बहन दादी और मम्मी, और उसके बाद मैं और एक कुंजल। भाई ये देखो यार, अच्छा यही बोल रहा था जो लैंडिंग होती है नीचे से ऊपर वाले की साइड से आता ना, शायद हम दूसरी वाली तरफ है अभी, वही पेट्रोल वही फेडेक्स की, क्या ये फेडेक्स एक्सप्रेस की अलग से वो होती है क्या भाई? ये मेरे को सही में आज पे चल रहा मजाक चढ़ के, मेरे को पता भी नहीं था। और यहाँ अरे वो उस साइड से होती होगी भाई, उस साइड जब जा रहे होते है ना, मतलब जब उस साइड से लैंडिंग हो रही होती है, या ये इस साइड से तो नहीं है? ये देखिए ये यही है शायद। हाँ ये वाला ऊपर वाला रैंप है, यही यही भाई यहाँ से ना। हाँ यही तो रैंप है ऊपर वाला। हाँ यही है भाई, यहाँ से लाइफ प्लेन दिखता है लैंड होते हुए। हाँ यही तो था वो। ये लोगों ने रील्स में देखा है, फोटोज में देखा है। लेकिन हमारी अभी किस्मत भाई, लेकिन भाई यहाँ टास्क ही है भाई, बार बार अबे उस वाले हैंगर से उस वाले हैंगर में जाते हैं। अच्छा ऐसे यहाँ सिडनी में पूरा भरोसा है ना, ऊपर से जब प्लेन जा रहा होगा तो यहाँ लोग ऐसे है कि रोकेंगे नहीं गाड़ियाँ बीच में देखने के लिए। हाँ ये भी बात है, इंडिया होता मई की मई गाड़ी। फोटो 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 ले भाई अपना, ये पढ़ा ना मैंने अभी जो वहाँ पे खोला है, ये मुंबई में जो खोला है अपना, कौन सा वो है फ्लाई ओवर,
तू वैसे वो होता और देखो भाई हाई लक्स दिख गई हैं पुरानी वाली पान की पिचकारियां थूक थूक के हलाओ कर दिया लायक नहीं होते हैं जो एड लोग तो बिल्कुल नहीं मतलब तेरे को इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं है नहीं ठीक है कुछ चीजों के लिए दिल्ली पसंद है मेरे को अपना सही है अभी कितनी दूर दिखा रहा है भाई हमारा अच्छा अभी तो पेट्रोल पंप जाएंगे भाई एक और सीन हो गया पता नहीं हमारी किस्मत में ऐसा ही है शनि है भाई हमारे मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ कांड होता ही रहता है अभी कुछ लगेज का कुछ इशू आ रहा है पता नहीं अभी मेरे को जो टैग्स होते हैं ना जो जब आप मतलब लगेज आपका चेक इन करते हो टैग लगता है तो अभी उसके मेरे को फोटोज भेजने और यहाँ भाई इंडिया तो नहीं है कि कहीं भी रोक दूंगा गाड़ी अब मेरे को जाना पड़ेगा भाई पेट्रोल पंप जब पेट्रोल पंप में जाऊंगा उसके बाद भाई उसके बाद गाड़ी रोक के मैं कर सकता हूँ भाई कॉल आ रहा है किसी का लो भाई फाइनली भाई होटल का नाम क्या है इसका डिवियर होटल भाई मतलब लोकेलिटी बढ़िया है पता नहीं भाई हमने मतलब पापा और ने करवाया सब कुछ मैंने इतना वो नहीं किया भाई पागल है क्या यार तू क्या बातें कर रहा है ये भाई अपना होटल और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं सो भाई गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू केसी व्लॉग्स तो भाई कल तो इतना कुछ कर नहीं पाया सब कुछ सब लोग रेस्ट में थे तो कल का व्लॉग कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ये है कुछ होटल रूम हमारा ठीक ठाक है और ये हमारी भाई प्यारी सी बहन और माही हाय बोलो पब्लिक को बोलो हाय हाय बोलो सब्सक्राइब टू केसी व्लॉग्स बोलो केसी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो को सब्सक्राइब करो वेरी गुड माही ये तो भाई आपने सुन लिया होगा और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं आपने देख लिया होगा यार का आउटफिट मम्मी मम्मी सब बाहर से लगी और देख सकते हो भाई टिपिकल इंडियन स्टाइल में मॉम्स के ये ले आई है बिरयानी पोहा उपमा उपमा की भाई सुबह सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट हो जाएगी ये सब तो भाई ऐसे मिलता है नहीं यहाँ पे क्या हुआ हाँ मुर्कू भी लाई है जो गुजराती और मारवाड़ी सब्सक्राइबर्स हैं उनको समझ में आ गया मुर्कू क्या होता है और भाई अभी चलते हैं ये देख सकते हो भाई ये पहन रहा हूँ जॉर्डन्स पहन रहा हूँ मैं इसका नाम भूल गया यार क्या था इसका कमेंट करके बता दो भाई इसका नाम ही भूल गया मैं आजकल जैसे हाइप ही ख़त्म हो गई है स्नीकर्स की पहले तो भाई वैल्यू भी थी जब लेने का मन भी करता था कि भाई एक स्नीकर मिल रहा है 15-15, 20-20 हज़ार का अब सारे ये सारे 8-10 हज़ार के हो गए एक टाइम पे 15-16 हज़ार के होते थे अब कोई मतलब नहीं भाई अब जा रहा है यार लग्जरी वेयर पे वो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करेगा यहाँ पे जितना ऊपर गॉड फादर और उसके नीचे वाले फादर अलाउ करेंगे उतनी शॉपिंग भी करेंगे इन फिलहाल तो भाई आज हमारा प्लान है ऑस्ट्रेलिया में आपका ब्लू माउंटेंस करके एक जगह बहुत फेमस है जो जो यहाँ आया हुआ है मेरे सब्सक्राइबर्स में से या जो जो देख रहा है उसको पता होगा आज जितना होगा उतने पूरी कोशिश करेंगे आपको ब्लू माउंटेंस एक्सप्लेन करने की एडवेंचरस जगह रोलर कोस्टर और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जगह है और बड़े तो जा ही सकते हैं तो आज भाई बने रहो ब्लॉग पे अब सीधा भाई नीचे जाके घर वालों से मिलवाता हूँ ओ भाई आ गई हमारी गाड़ी ऑल द वे फ्रॉम भाई माइंड मत करना इसको पता नहीं था जो मतलब इसे चेंज नहीं करवाया ये कोई टैक्सी मतलब लोग सोचेंगे भाई येलो नंबर प्लेट वाली है लेकिन यहाँ पे अलग अलग नंबर प्लेट्स होते हैं चेंज करवा सकते हैं लेकिन अभी तक इसे चेंज नहीं करवाया देखो भाई कौन सी ब्रीड है कमेंट करके बता दो मेरे को तो देसी लग रही है यहीं की और अभी अपन चलते हैं ये आओ तो भाई 1 घंटा 21 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से तू गया हुआ पहले नहीं पहले 5 साल पहले गया 5 साल पहले और भाई ये पीछे मेरी फैमिली बैठी माई हाय बोलो मम्मी हाय और तो भाई आपने देख ली होगी फैमिली लोग जो बोलते रहते हैं फैमिली को दिखाते हैं दिखा लिया सारे एक साथ भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे 1 घंटा 20 मिनट में मतलब 1.5 में पहुंचेंगे और वो भी होंगे कि घाट होगी क्या याद ही नहीं भाई इसको 5 साल पहले गया था कह रहा है कोई नहीं भाई अब सिटी का भी अब मजा लो थोड़ा आपको सिनेमैटिक्स भी दिखाते रहूंगा बीच बीच में तो भाई चलो चलते हैं भाई ये देखो इंडिया में जो 15 साल पहले गाड़ी आती थी अभी तक यहाँ चल रही है यहाँ कोई रूल नहीं है 10-15 साल वाला और जो इंडिया में अभी तक गाड़ी आ नहीं पाई है X6 मेरे हिसाब से तो अभी आ नहीं पाई है कमेंट कर देना गलत हूँ
या अपकमिंग गाड़ी है वो भी भाई यहाँ सारी आपको दुनिया भर की गाड़ी दिख जाएगी। और ये देख लो हाईलक्स भी है यहाँ पे भाई, मतलब लगा लो हाईलक्स को यहाँ पे ऐसी मॉडिफाई करके रखते लोग, ऐसी मॉडिफाई करके रखते। इंडिया में बहुत स्पेसिफिक क्राउड है जो वो करता है, बहुत कम, मतलब लगा लो 1% होगा जो मतलब यहाँ के जो लेवल की मॉडिफिकेशन को मैच कर सकता है, जो पैसा भी भाई ढंग से खर्च करता है। मैंने देख रखी एक दो की हाईलक्स 10-10, 15-15 लाख रुपए लगा रखे हाईलक्स लेके, तो उतने लोग वहीं लगा लेते हैं यहाँ पे। आज है कि नहीं पता भाई तो बहुत तेज चल रहा है, 100 की स्पीड में चल रहा है भाई, 100 की ट्रक है, इतना बड़ा इंडिया में नहीं होते, इतने नहीं होते ना, इतने बड़े होते हैं मैं तो देखे नहीं इतने, या फिर ये वाले कुछ ज्यादा ही तगड़े होंगे इसलिए। वहाँ टाटा वाटा के होते हैं ना यहाँ पे किसके होते हैं ट्रक पता नहीं, टाटा के नहीं होते यहाँ पे, टाटा के थोड़ी होते हैं, फोर्ड के होते हैं भाई यहाँ पे ट्रक, पीछे फोर्ड का ट्रक जा रहा है वो, ये देखो। ये देखो भाई जेट जा रहा है, देख सकते हो आप ये जो लाइन दिख रही है ना आपको भाई, एप्पल का कैमरा तो भाई मान गया भाई, आज देख सकते हो इतनी क्लैरिटी से दिख रहा है ये। और भाई अभी कुछ सामान लिया हम लोगों ने, कुछ चीटोज वीटोज मिल्की बार सब कुछ, एयरपोर्ट्स घूम गए थे मिल गए, कहाँ मिले वॉशरूम के अंदर पड़े हुए थे, एक पता नहीं किसने कहा था सब लोग ठीक है। यहाँ पे भाई ये सबसे तगड़ी भाई ये बढ़िया रहता है, जैसे वहाँ पे आपका वो है ना लेज, वैसे यहाँ पे ये चलते हैं भाई। चीटोस तो भाई यहाँ पे हर जगह मिल जाएंगे, ऐसे नहीं जैसे इंडिया में बहुत लिमिटेड जगह मिल रहे हैं आजकल, सबसे बेस्ट मिल्की बार। और ये क्या है फ्रेंच फ्राइज भाई, सीन ऐसा हुआ हमने ब्लू माउंटेन्स की लोकेशन तो डाली थी 45 मिनट, मतलब पहले 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा था ना, टोल मतलब टोल वाला रोड लेते हो तो आपको जल्दी पहुंचा देगा, कितने 40 मिनट जल्दी पहुंचा देगा अप्रॉक्स, 40 वही 40 मिनट्स हुआ। तो भाई हम लोग पहुंच तो गए थे, लेकिन फिर पता चला कि भाई ब्लू माउंटेन्स के भी अभी कितना 30 किलोमीटर आगे, देख सकते हो भाई 43 किलोमीटर आगे है आपका सीनिक व्यू, सीनिक वर्ल्ड एक ही तो है, मतलब सीनिक वर्ल्ड ले लो भाई, सीनिक वर्ल्ड है आपका यहाँ से 43 किलोमीटर आगे। तो अभी हम लोग फिर आगे जा रहे हैं और वहाँ पे सारा मतलब मेनली के ट्रैकिंग है और क्या है, केबल कार है, ट्रेन है, ट्रैकिंग है, मतलब हाइकिंग, मतलब ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। चॉकलेट फैक्ट्री भी है वहाँ से, थोड़ी चॉकलेट भी मतलब खा सकते हैं ना हम वहाँ से, हाँ तो ये सारी चीज़ें करेंगे भाई। अभी पहुँचते हैं भाई अपना, 45 मिनट्स लगेंगे अब। तो भाई फाइनली आ चुके हैं भाई सीनिक वर्ल्ड, और यहाँ फोटो शूट चल रहा है, और क्या क्या है भाई यहाँ पे देख सकते हो, केबल कार है, रेलवे है, मतलब पूरा भाई व्यू अभी आपको सिनेमैटिक में दिखेगा, ये देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को तो। और क्या क्या भाई, डोंट हैव अ टिकट स्कैन हियर, लेकिन भाई यार के पास तो मतलब हमारे पास है टिकट, तो अभी वेट कर रहे हैं हम लोग दादी का और भाई का, वो आ रहे हैं, यहाँ थोड़ी चढ़ाई है ना तो थोड़ा धीरे धीरे करके कहते से करके ऊपर चल रहे हैं। सबसे पहले भाई कर रहे हैं हम स्काई वे, सीनिक स्काई वे। ओ भाई भाई यहाँ से देखो यार, बाय चांस भाई ये हल्का सा खुल गया सिस्टम इसका, या फिर यहाँ से किसी ने टक टक कर दिया तो हो जाएगा काम सीधा पार। मैं व्यू दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखो
We're just about to pass over it. You need a pure fairway over in order to see it. What blue mountain is that? 12 meters high. Then we've got our big waterfall coming up. That's called. Hi, मजा आ रहा है. आ रहा है भाई ये थोड़ा वो नहीं है ऊपर आगे लगता है हम लोग थोड़ा ये देखो ऐसे आए थे अभी हम लोग ऐसे अभी बाहर से तो भाई पता नहीं कुछ रिकॉर्डिंग होती है नहीं होती होती है क्या वैसे नहीं होती है ये देखो भाई स्काई वॉक तो हो गया अभी यहाँ पे भाई कटुम्बा फॉल ये मम्मी 11 पी अच्छा ठीक है टर्न जो 10:30 बंद हो जाता है ये अभी हम लोग यहाँ पे है भाई स्काई वॉक तो बढ़िया था स्काई वॉक से होते होते इंस्टा पे अभी फॉलो नहीं किया भाई किसी ने तो वो भी कर लो केसी ब्लॉग क्योंकि इंस्टा पे बहुत तगड़ी तगड़ी रील जाएगी यूट्यूब पे तो भाई मैं सिनेमैटिक मतलब डालूंगा ही एकदम रॉ होगी क्योंकि बाहर से वीडियो नहीं मिल पाई मतलब जैसे इंस्टा पे मैंने बाहर से ले ली थी यूट्यूब में देख लेना भाई आप जैसा भी बढ़िया एडिट वेडिट करूँगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया बोलना लेकिन कोई नहीं अभी ये देखो भाई कटुम्बा फॉल्स है ये आवाज़ आ रही है देखो पानी जा रहा है झरना झरना बोलते हैं भाई फॉल्स मतलब जिनको मेरी जो भी पब्लिक है जिनको नहीं पता तो भाई और भाई ये देखो भाई पूरा नीचे से जाएंगे ये है आपका कटुम्बा फॉल्स एकदम क्लोजली आपको दिखा दिया है बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है भाई और यहाँ भाई मतलब जो यहाँ की एयर है ना कुछ बहुत ज़्यादा ही फ्रेश है क्या वो फोटो ले रहे हो क्या अच्छा आ जाओ देखो जो स्काई फॉल हुआ था ना ऐसे आए थे मेरे को मौका मिल गया मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई बाहर से कौन वीडियो बनाएगा अभी उसी स्पॉट पर हूँ जहाँ से वीडियो बन सकती है देख सकते हो कितने ऊपर थे मतलब जैसे केबल कार होती है ना भाई इंडिया में वैसे ही समझ लो आप इसे केबल कार मनाली मनाली में गए होगे पब्लिक गई होगी तो चल कुंजल आ जा चलो फोटो खिंचवाते हैं इसकी माइक भी खींचनी है ये लाइट अब क्लिफ वॉक स्टार्ट करते हुए टाइम फॉर सीनिक रेलवे भाई ये सेकंड है मैंने तो चार चीज़ें बताई थी उसमें से दूसरी चीज़ है व्यू देखो भाई यहाँ का हेलो ये देखो भाई ओके दिस का ओके हाँ ओ भाई साहब ये देखो भाई ऐसे होगा ये ऐसे जाएंगे पकड़ के लो भाई आ गई हमारी रेल आ गई अरे मम्मी नेक्स्ट में जाते जो आगे बैठ पाए तो यही आ जाओ यहाँ पे तो भाई हो गए बंद और अब भाई जाने वाले हैं भाई अपना ड्राइवर ओ भाई साहब ये देखो भाई ये देखो तेरा वाला होता है भाई यार ये देखो पूरी जा रही है ऐसे ओ भाई साहब सीधा ही गिरेगा भाई कोई जिसने ये पकड़ा नहीं हुआ ना ये भाई ऐसे हम लोग लिटरली हम लोग मम्मी कितना 90 डिग्री होगा कितना नहीं 70-75 भाई ये देखो आपको फुल फील लेते भाई यहाँ पे अभी ऊपर भी ऐसी जाएगी गाइस ये जो पहाड़ है ना ये इसको थ्री सिस्टर्स बोलते हैं और इसकी भाई ये हिस्ट्री है री द थ्री सिस्टर्स इज अ सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन मतलब भाई पूरा पढ़ सकते हो आप और ये यहीं से भाई अभी वो ट्रेन आई थी ऐसे गए थे भाई पूरा नीचे मतलब लगा लो ऑलमोस्ट 75 degrees वर्ल्ड स्टीपेस्ट रेलवे बोल दिया हो तो मैं अब देखो आ रही है लेकिन अभी तो हाँ अभी आखिरी में बैठने का फायदा है ये देखो
भाई सीन है ऐसा भाई, सीधा भाई ये देख सकते हो कैसे पकड़ा हो, अगर ये छूटा सीधा आगे जाऊंगा सीधा। ओ भाई यहाँ की देखो इम्पोर्टेड कैडबरी की आइसक्रीम, ड्रमस्टिक्स वाले नहीं आइस लाते नाम होगा यार उसका वो ड्रम, ये कौन सा दिखाओ दिखाओ मम्मी जैम दिए पीने के लिए, ये बढ़िया होगा ना, ये चाहिए येलो में येलो ठीक है। भाई तुम क्या ले रही हो भाई, ये आ गया अब आपका केबल वे क्या यहाँ, अच्छा अच्छा यहाँ है क्या, गलत जा रहे थे कैंगरू ये भी वैसा ही दिख रहा है लेकिन कोई नहीं भाई, कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत लोग होते हैं जिनको हिंदी भी आ रही होती है तो जिस हिसाब से इनका मजाक उड़ाते रहते हैं इसी, मम्मी यार ये थोड़ी है स्काईवे है, ये गए हुए तो हैं, अरे यहीं से गए हम लोग ऊपर यार, स्काईवे कर तो लिया हमने, स्काईवे कर लिया, केबल वे अलग है स्काई वे अलग है यार, केबल वे नीचे था यार, नीचे नहीं गए हम लोग, स्काई वे हो तो गया यार भाई, यहाँ पे नाम भी तो ऐसे ही केबल वे स्काई वे फलाना वे ढमकाना रेलवे कहाँ यहाँ से किड्स कोई नहीं किड्स भाई, एक और चीज़ भाई यहाँ पे ना थिंकिंग बहुत है, मतलब लगा लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब चाइनीज भरे पड़े हैं और वो खड़ूस होते हैं एक नंबर, हम जिस होटल में ठहरे उसके रिसेप्शनिस्ट भी ये चाइना का भाई, बहुत थर्ड क्लास भाई, और भाई घुस चुके हैं अब हम लोग केबल वे में, आपको थोड़ी ही देर में केबल वे का एक्सपीरियंस करवाता हूँ मैं, ये कुछ हमारे बिरादरी के लोग हैं यहाँ पे, ये है भाई ये नो स्मोकिंग गाइस, और भाई व्यू देखो भाई यहाँ 5 बज रहे और भाई क्रेजी, चलो चल ये लो भाई भाई ये कुछ ज्यादा ऊपर है, उससे भी ऊपर है, पेंटिंग में भी गई हो केएल में भी गई हो, नहीं लेकिन ये उससे ऊपर है स्काई वे से ऊंचा है ये, तो डिफरेंस क्या हुआ स्काई वे और इसके अंदर, सो व्हाट्स द एल्टीट्यूड फ्रॉम हियर टू देयर, एल्टीट्यूड अबाउट 220 मीटर्स वेरी क्लियर 954 734 एंड एंगल वो देखो स्काई वॉक वो अभी किया था और ये रहा केबल कार, क्या डिफरेंस क्या बोला इसने, स्काई वॉक में नीचे आपका ओपन है ताकि आप पूरा वैली देख सको, यहाँ पे नहीं है, यही यही डिफरेंस है भाई, ये देखो यार केबल अलग ही कार कौन सी यूज करते हैं ये लोग, ये कौन सा रोज चेक होता है, हर दिन 4 दिन से पहले भाई, ये देखो बचपन की याद दिला दी भाई इसने, बचपन में यूज क्या करते थे ना ये भाई, 5 घंटे लग गए हमें पूरा, हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, रेलवे हो गया केबल वे हो गया स्काई वे हो गया ब्लू माउंटेन्स हो गया, सारी चीज़ें भाई एकदम बढ़िया तरीके से हुई है, एंड जितना भी ब्लॉग पे दिखा पाया हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई वीडियोग्राफर तो है नहीं, और बाकी भाई आप रील्स में देख लिया, थकान हो गई है बहुत, और अभी मैं घूम गया हूँ क्योंकि गाड़ी मिल नहीं रही है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को, अभी गाड़ी कहाँ है यार मिल ही नहीं रही है, यहाँ तो नहीं है, है ही नहीं भाई, यहाँ घूम गया भाई मैं, बेटा काटेगा तो नहीं है बेटा, काटेगा तो नहीं इसको हिंदी भी नहीं समझ में आ रही होगी भाई यहाँ पे, यो मेट भाई अभी आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे द कॉलोनियल ब्रिटिश
क्यूजीन, मतलब यहाँ इंडियन भी मिलता है, ब्रिटिश भी मिलता है, और यहाँ पे भी आपको सिस्टम क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे भाई बैठ गए हैं। लो भाई ये कढ़ाई पनीर है, पनीर टिक्का मंगवाया था, ये क्वांटिटी कम नहीं लग रही थोड़ी आपको? भाई ये देखो, जो गाड़ियों की इंडिया में इज्जत नहीं की ना, टी रॉक लिमिटेड आई थी ये, और इतनी प्यारी गाड़ी थी भाई, इतनी प्यारी गाड़ी थी, मतलब कदर ही नहीं है ना भाई इंडिया में, क्योंकि वॉच भी बंद हो गई क्या। Q2 इसकी भी इज्जत नहीं, देखो यहाँ दो दो ऐसी लेके बैठे हैं लोग, कि भाई गाड़ी ही इतनी तगड़ी है, लोग सोचते हैं कि भाई ये 40 लाख की गाड़ी है, 40-50 लाख की, इससे बढ़िया फॉर्चुनर ले ले। ये कौन सी है, ये भी Q2 ही है ना? हाँ Q2 ही है ये भी भाई, ये i20 अभी तक चल रही है भाई जो इंडिया में। चलिए देखो जिमनी भी देखो भाई तुम, अभी जितना कैमरा जस्टिस कर पा रहा है, और बाकी तो ये MG की, अच्छा ये भी आने वाली है भाई, MG की ये गाड़ी आपकी इंडिया में आने वाली है बहुत जल्दी, अगले साल कमिंग है भाई ये गाड़ी। एक छोटी वाली कोडियाक लग रही है मेरे को, घूर क्या रहा है, खाएगा क्या, कितने की तूने? 500 × 2 मतलब 25,000 हो गए ना, 500 कितने, 30,000। लो जी भाई यहाँ पे ऐसा है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा कैश का, हमेशा कार्ड या फिर आपका फ़ोन टैपिंग ये ज़्यादा चलते हैं, ऑनलाइन कैश बहुत कम जगह लेते हैं लोग, रेस्टोरेंट में लेते हैं। क्या तेरा कुछ भी नहीं दिखाया मैंने, दिखता है क्या वैसे? तो भाई सुबह के बज रहे हैं, देख सकते हो 9:50 हो गए हैं, 10 ही बज रहे हैं, और भाई अभी मैं सुबह उठ के एडिट करने लग गया था 8:30 बजे, क्योंकि कल तो भाई थकान हो गई थी, सो गया था, एडिट कर नहीं पाया था, और ये देख सकते हो भाई एडिटिंग चल रही है फुल पावर में। मैं कहा भाई टाइम टू टाइम ब्लॉग डालता हूँ, कल तो भाई हिम्मत थी नहीं तो मैं कल ही एडिट करके कल रात को अपलोड आ जाएगी, 4.5 घंटे का डिफरेंस होता है, अभी जो मोटा हो ही गया भाई मैं, और मोटा हो गया, लेकिन कोई नहीं भाई, अभी इंडिया जाके सारा वापस से वर्कआउट करेंगे। एनीवेज गाइस, ब्लॉग पसंद आया तो कर दो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड भाई अब आपको डेली ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, अभी जितने भी दिन हूँ मैं यहाँ पे, और हूँ मैं एक महीना हूँ और, तो आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे, और इंडिया जाते ही भाई आपको एक बहुत तगड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, ये दो सरप्राइज मिल सकते हैं आपको, ये तीन ना दो दो मिलेंगे आपको, तो भाई उसका भी वेट करना भाई, जब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड नाइट।